प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आप लोग सब कैसे हो? कल के पाठ को फिर से आपने देखा? और जो मैंने गाना सिखाया, क्या वो गाते हो आप? अगली बार क्या करना, उस गाने को मम्मी पापा को भी सुना देना, ठीक है? फिर अपने दोस्तों के साथ भी गाना गाना। आप लोग सब बहुत खुश लग रहे हो। ऐसे ही खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना, ठीक है? बच्चों, आज का हमारा सातवां पाठ, कौन सा है? परम प्रसाद, जीवन की रोटी। तो आज हम परम प्रसाद के बारे में सीखने जा रहे हैं। और आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस साल आप परम प्रसाद को स्वीकार करोगे, इसलिए। इस साल आपका कम्युनियन है ना, तो इसलिए आज के इस क्लास में अच्छे से ध्यान से भाग लेना है। तो आओ हम प्रार्थना द्वारा हमारे क्लास की शुरुआत करेंगे। अपने हाथों को जोड़ो और आंखें बंद करो। अब्बा हमारे प्यारे पिता, यीशु हमारे प्रिय दोस्त और पवित्र आत्मा, आप हम सब पर आइएगा। और आज जैसे हम परम प्रसाद के बारे में सीखने जा रहे हैं, आप हम सबको बताइएगा कि परम प्रसाद क्या है और इससे कैसे हमें योग्य रीति से भाग लेना है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। तो बच्चों, आज का क्लास क्या है? परम प्रसाद, जीवन की रोटी। अभी आप लोग मुझे बताओ, हम लोग खाना क्यों खाते हैं? रोज हम खाना खाते हैं ना, सवेरे खाते हैं और दोपहर को खाते हैं, शाम को खाते हैं, फिर बीच में कुछ स्नैक्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। तो ये खाना क्यों खाते हैं हम? हाँ, देखो सही जवाब आ रहा है, ताकत मिलने के लिए, बुद्धि बढ़ने के लिए, फिर हमारे रोज के काम करने के लिए, वेरी गुड। और हाँ, देखो कोई बोल रहा है थकावट मिटाने के लिए, वेरी गुड। तो हम खाना इन सब चीजों के लिए खाते हैं। पर आपने कभी आत्मा के भोजन के बारे में सुना है? हमारे आत्मा को भी भूख लगती है ना, कभी कोई इसके बारे में आपको बताया है? जैसे हमारे शरीर को भूख लगती है, उसी प्रकार हमारे आत्मा को भी भूख लगती है। तो आज हम परम प्रसाद के बारे में सीखने जा रहे हैं। परम प्रसाद हमारे आत्मा का भोजन है। तो इसको हम दो कहानियों में सीखेंगे। आप लोगों को तो कहानी तो बहुत अच्छी लगती है, मुझे पता है। तो आज मैं आपको पुराने विधान से कहानी बताऊंगी और एक नए विधान से। क्या आप तैयार हो? ध्यान से सुनना, ठीक है? पुराने विधान की कहानी। इसराइली जनता मिस्र देश में गुलाम थे। आपको पता है ना, इसराइली जनता कौन से देश में गुलाम थे? मिस्र देश में। तो उनको मुक्त करने के लिए ईश्वर ने एक व्यक्ति को चुना। वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति मूसा है। बहुत अच्छा। तो जब वे मिस्र से कनान देश आ रहे थे, उनके पास जो कुछ खाना था, जो कुछ खाने की सामग्री थी, वो तो खत्म हो गया। मूसा क्या करता? मूसा के पास तो कुछ नहीं था। मूसा ईश्वर से प्रार्थना करता है और ईश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है। कैसे? अगले दिन उन्हें मन्ना प्रदान करता है। मन्ना एक सफेद रंग की रोटी है जिसका स्वाद मधु जैसा है। देखो, मधु बोलने से बहुत सारे जनों के मुंह में मधु का वो रस टपक रहा है ना? तो मन्ना का टेस्ट कैसा था? मधु जैसा। उसका रंग कैसा था? सफेद। तो प्रभु ओ मन्ना देकर उन लोगों का भूख भी मिटा देता है और उनकी थकावट भी मिट जाती है। तो ये हमारे पुराने विधान की कहानी। अभी हम नए विधान की कहानी पर जाएंगे। आप लोगों ने रोटियों के चमत्कारों के बारे में सुना है? हाँ, देखो कोई कोई सिर हिला रहा है। तो मैं फिर से बोलती हूँ आप लोगों को, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें पता नहीं है, ठीक है?
ईसा मसीह स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार कर रहे थे और उस समय बहुत सारे लोग आए थे। फिर आप जैसा एक नन्हा बालक अपने घर से 5 रोटी और 2 मछली भी लाया था, क्योंकि उनकी मम्मी ने कहा था जब भी भूख लगे तो उसे खा लेना। उस बालक के पास कितनी रोटी थी? 5। और कितने मछलियां थी? 2। तो बहुत देर के बाद लोगों को तो भूख लगने लगी, तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, देखो आप लोग इन लोगों को भोजन दो। पर इतने सारे लोग थे, 5,000 से अधिक लोग थे, तो शिष्यों के पास ना ही पैसा था ना ही भोजन था, वो कैसे इतने सारे लोगों को भोजन दे सकते थे? तो शिष्यों को एक लड़का दिखाई देता, वही बालक जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थे। तो वो यीशु के पास लेकर आते हैं। यीशु उस रोटी और मछली को आशीर्वाद देते हैं और वो चमत्कार से 5,000 लोगों का भोजन बन जाता है। तो बच्चों, ईसा मसीह अपना भूख ही नहीं, शरीर की भूख ही नहीं, बल्कि हमारे आत्मा की भी भूख मिटाते हैं। उस दिन इस चमत्कार से ईसा मसीह ने उन लोगों की शरीर की भूख मिटा दी। और फिर आत्मा की भूख यीशु मसीह कैसे मिटाते हैं? परम प्रसाद से। परम प्रसाद क्या है? ईसा मसीह का रक्त और शरीर। ठीक है, तो हम संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 35 में देखते हैं। ईसा मसीह कहता है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। तो हमें जब भी भूख लगे, कौन सी भूख बच्चों? आत्मा की भूख। जब भी आत्मा की भूख लगे हमें किसके पास जाना चाहिए? ईसा मसीह के पास। तो बच्चों, हमारे आध्यात्मिक जीवन को पोषित करने के लिए ईसा मसीह ने पवित्र बलिदान की स्थापना की। मैंने क्या कहा अभी? ईसा मसीह ने पवित्र बलिदान की स्थापना क्यों की? हमारे आध्यात्मिक जीवन को पोषित करने के लिए। हमारे शारीरिक जीवन को पोषित करने के लिए हम खाना खाते हैं, हमारे आध्यात्मिक, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को पोषित करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? हमें परम प्रसाद स्वीकारना है। तो ये परम प्रसाद क्या है? परम प्रसाद हमारे आत्मा को पोषित करता है। किससे? ईसा मसीह के शरीर और रक्त द्वारा। परम प्रसाद एक बस सफेद रोटी नहीं है, वो ईसा मसीह का शरीर और रक्त है। इसे कभी भी नहीं भूलना। तो बच्चों, ईसा मसीह रोटी और दाखरस के सदृश में हमें अपना शरीर और रक्त प्रदान करते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, परम प्रसाद बस एक सफेद रोटी नहीं, ईसा मसीह का रक्त और शरीर है। तो पवित्र बलिदान के जरिए ईसा मसीह अपना शरीर और रक्त हमें प्रदान करते हैं। उससे क्या होता है? हमारे आत्मा को भोजन भी मिलता है और पेय भी मिलता है। हम खाना भी खाते हैं और पानी भी पीते हैं, तो हमारे आत्मा को भी खाना भी चाहिए और पानी भी चाहिए ना। तो हमारे आत्मा का खाना क्या है? ईसा मसीह का शरीर। और आत्मा के लिए पानी क्या है? ईसा मसीह का रक्त। देखो, उसने अपनी आत्मा का ख्याल कभी नहीं रखा, तो हमारे साथ मृत्यु के बाद कौन आएगी? हमारी आत्मा। तो हमें हमारी आत्मा का ख्याल रखना चाहिए ना। उसे परम प्रसाद से रोज पोषित करना है, उसे परम प्रसाद से शक्ति प्रदान करना है। ठीक है, तो बच्चों, पवित्र बलिदान क्या है? पवित्र बलिदान वह संस्कार है जिसमें ईसा मसीह रोटी और दाखरस के सदृश में अपना शरीर, अपना पवित्र शरीर और रक्त हमें प्रदान करते हैं। आप मेरे साथ बोलना, पवित्र बलिदान क्या है? पवित्र बलिदान वह संस्कार है, हाँ, और क्या संस्कार है? जिससे ईसा मसीह रोटी, हाँ, और दाखरस के सदृश में अपना पवित्र शरीर और रक्त किसे प्रदान करते हैं? हमें प्रदान करते हैं। तो आपको
पवित्र बलिदान में योग्य रीति से भाग लेना चाहिए। हम दो पास्का के बारे में भी देख सकते हैं, एक तो पुराने विधान का पास्का और एक है नए विधान का पास्का। ये पास्का क्या होता है? मिस्र देश की गुलामी से इसराइली जनता को स्वतंत्र करने की याद में पास्का का पर्व मनाया जाता था। हमने पहला वो कहानी में सुना था ना, कौन उन्हें स्वतंत्र किया? मूसा। ठीक है, उनके उस स्वतंत्रता की याद में पास्का का पर्व मनाया जाता था। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में यह सीखा था, पवित्र बलिदान की स्थापना ईसा मसीह ने कब किया? देखो, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक साथ सबों ने उत्तर दिया, पास्का पर्व के दिन। तो पास्का पर्व के दिन पवित्र बलिदान की स्थापना ईसा मसीह ने की। तो पुराने विधान का पास्का के बारे में हमने सुना, नए विधान का पास्का क्या है? नए विधान का पास्का है हमें पापों की गुलामी से मुक्त करना। कौन हमें पापों की गुलामी से मुक्त करता है? ईसा मसीह। तो अभी तक आपने मुझे एक सवाल नहीं किया, इस पास्का का अर्थ क्या है? हाँ, देखो आप भी पूछ रहे हो मुझसे। बच्चों, पास्का का अर्थ है पार करके जाना। पास्का का अर्थ क्या है? पार करके जाना। बहुत अच्छा। आप लोग सब बर्थडे पार्टीज में गए हो? हाँ गए हो। शादी में गए हो? वो भी गए हो। तो उसमें हमें क्या मिलता है? वे लोग जो हमें आमंत्रित करते हैं, हमारे लिए एक भोज सजाते हैं, खाने की मेज सजाते हैं और हमें खाना देकर हमें खुश रखते हैं, है ना? तो ये परम प्रसाद क्या है? ईसा मसीह का प्रीति भोज है। इसमें ईसा मसीह हमें और कुछ खाने को नहीं दे रहा है, जैसे कोई चीज खाने को नहीं दे रहा है, उसमें हमें स्वयं अपना शरीर और रक्त दे रहा है। और इस प्रीति भोज से हमें क्या प्राप्त होता है? मुक्ति प्राप्त होती है, हमें जीवन प्रदान करता है और हमें अनंत जीवन के भागीदार बनाता है। तो ईसा मसीह का परम प्रसाद क्या है? प्रीति भोज है। परम प्रसाद एक प्रेम का संस्कार है। ईसा मसीह हमारे जीवन में आते हैं, क्यों? क्योंकि वे हमसे प्यार करते हैं। तो हम संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 54 में पढ़ते हैं, जो मेरा शरीर खाता है और रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, अंतिम दिन में मैं उसे पुनर्जीवित करूंगा। तो प्रिय बच्चों, ईसा मसीह का रक्त और शरीर जो खाता है उसे क्या मिलता है? अनंत जीवन। हमने पिछले क्लास में भी एक कोटेशन देखा था। कौन सा कोटेशन है वो? संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 26 से 30 तक। अपना बाइबल खोलिएगा, मत्ती का सुसमाचार हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है? ईसा ने कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के क्षमा के लिए बांटा जा रहा है, ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है, ले लो और इसमें से तुम सब पियो। तो बच्चों, इन वचनों द्वारा हमें यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह हमें अपना शरीर और अपना रक्त देते हैं। क्यों? हमें अनंत जीवन प्रदान करने के लिए। हम पवित्र बलिदान को एकता का संस्कार कह सकते हैं। क्यों एकता का संस्कार कह सकते हैं? क्योंकि आदिम क्रिस्तीय समूह में वे एक मन से खुशी के साथ इस प्रीति भोज में भाग लेते थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 46 में पढ़ते हैं। आओ हम इसे मिलकर पढ़ेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या क्या कहा मैंने? 46। बहुत अच्छा, चलो बच्चों हम मिलके पढ़ेंगे।
वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। तो हमने अभी क्या पढ़ा? वे प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे, खुशी के साथ प्रीति भोज में भाग लेते थे, है ना? तो उनकी इस सहभागिता ने उन्हें ईसा मसीह में एकजुट बनाया। तो हम भी जो प्रतिदिन नहीं है पर हर इतवार को हम गिरजाघर जाते हैं ना, हमें इसी मनोभाव के साथ जाना चाहिए, खुशी के साथ एकता में सबों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि हम कलीसिया के, मैंने क्या कहा था पहले पाठ में, कलीसिया के हम क्या है? कलीसिया के हम अंग है। तो मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, यदि आपके इस छोटे उंगली को कुछ हो गया तो आपको दुख होगा क्या? आप ऐसे कहोगे ये उंगली तो छोटी है जाने दो? ऐसे कभी नहीं कहोगे ना। तो हमारा हर एक अंग में कुछ ना कुछ होने से हम पूरे शरीर को दुख होता है ना? उसी प्रकार हम तो इस प्रीति भोज में एक साथ भाग लेते हैं और हमने कहा था कि हम सब कलीसिया के अंग है, ईसा मसीह के आध्यात्मिक शरीर के अंग है। तो हमें एक दूसरे का मदद करना है, एक दूसरे को बढ़ाना है, प्रेम से रहना है, क्षमा करना है, तब भी हमारा यह कलीसिया, हमारा यह क्रिस्तीय परिवार आगे बढ़ेगा। कभी से भूलना नहीं, ठीक है? पवित्र बलिदान एक प्रीति भोज है और जो लोग इसमें भाग लेते हैं उन्हें ईसा मसीह का शरीर और रक्त योग्य रीति से स्वीकार करना चाहिए, तब भी हमारा पवित्र बलिदान पूरा होगा, तब भी हमारा यह प्रीति भोज पूरा होगा। कभी भी आप भूलना नहीं, ठीक है? तो बच्चों, हम हर एक क्लास में कोई ना कोई निर्णय लेते हैं। आज हम कौन सा निर्णय लेंगे? हम यह निर्णय लेंगे कि बस इतवार को ही नहीं, जब भी मौका मिले हम पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेंगे। कैसे भाग लेंगे? योग्य रीति से भाग लेंगे, ठीक है? बच्चों, आज हमने गाना नहीं गाया तो हम अभी गाना गाएंगे, ठीक है? पेज नंबर 45 पर आइएगा, अपने किताब को हाथों में ले लो और खड़े हो जाओ, ठीक है? हम गाना गाएंगे। ये गाना हम मिसा में गाते हैं, आप लोगों को ये गाना पता होगा तो सिखाने की जरूरत नहीं है, हम मिलके गाएंगे, ठीक है? स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी, प्रेम से मेरे पास जो आते और मुझको ग्रहण ही करते, वे सब मुझ में सर्वदा रहते, अनश्वर जीवन वे ही पाते, अपने मुक्ति दाता ने यह शेष गणों से ऐसा ही कहा। बच्चों, अभी हम उत्तर ढूंढेंगे, पेज नंबर 47 पर आइएगा। हमारा पहला प्रश्न क्या है? पवित्र बलिदान का संस्कार क्या है? आप लोग मुझे बताओ, पवित्र बलिदान का संस्कार क्या है? पवित्र बलिदान वह संस्कार है, हाँ बोलो, जिसमें ईसा मसीह रोटी और दाखरस के सदृश में अपना पवित्र शरीर और रक्त हमें प्रदान करते हैं। बहुत अच्छा। अभी हमारा दूसरा सवाल क्या है? ईसा ने क्यों पवित्र बलिदान की स्थापना की? ईसा मसीह ने क्यों स्थापना की पवित्र बलिदान की? हम ईसाइयों के आध्यात्मिक जीवन को पोषण देने के लिए एवं शक्ति प्रदान करने के लिए ईसा मसीह ने पवित्र बलिदान की स्थापना की। अभी हमारा तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या है? पवित्र बलिदान में भाग लेते समय
परम प्रसाद स्वीकार करना है। क्यों? तो मैंने अभी आपसे कहा था ना, पवित्र बलिदान एक प्रीति भोज है। जब हम ईसा मसीह के शरीर और रक्त को ग्रहण करेंगे तब भी हमारा यह प्रीति भोज पूरा हो जाएगा। इसलिए जब भी हम मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, हमें परम प्रसाद को योग्य रीति से स्वीकारना है, कभी से भूलना नहीं। ठीक है बच्चों, अभी हमारा चौथा सवाल क्या है? पवित्र बलिदान को एकता का संस्कार क्यों कहते हैं? अभी आप पेज नंबर 45 पर आइएगा तो हम अभी इस आंसर को मिलके बोलेंगे। ठीक है, पहले सेंटेंस में ही है ये। पवित्र बलिदान एकता का संस्कार है। आदिम क्रिस्तीय समूह एक मन से खुशी के साथ इस प्रीति भोज में भाग लेते थे। उनकी इस सहभागिता ने उन्हें ईसा मसीह में एकजुट बनाया। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। इसलिए पवित्र बलिदान को एकता का संस्कार कहा गया है। मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। आपको रोजरी माला से वो भेद को ढूंढना है जिसमें पवित्र बलिदान के बारे में बताया गया है। करोगे ना ये काम? आप जब अगली क्लास में आओगे तो मैं इस उत्तर को पूछूंगी। ठीक है, आओ बच्चों, अभी हम सभी खड़े हो जाए और हम प्रार्थना करेंगे। जैसे हमारा क्लास समाप्त हो गया है, आज के इस क्लास के दौरान प्रभु ने हम पर बहुत सारे कृपाएं बरसाई है, तो इसके लिए हमें उन्हें धन्यवाद देना है ना। तो आओ हम खड़े होकर धन्यवाद वाला प्रार्थना करेंगे। आबा हमारे प्यारे पिता, ईसा मसीह और पवित्र आत्मा, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आज के इस क्लास के दौरान आपने हम पर बहुत सारे कृपाएं बरसाई है। हम सबको यह कृपा दे कि हम ईसा मसीह का शरीर और रक्त योग्य रीति से स्वीकार ले एवं एक दूसरा परम प्रसाद बन जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।